जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूना और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप लोगों का अपने चैनल में। मेरे ऐसे सभी टीचर्स, यूट्यूबर्स, अपकमिंग टीचर्स जो यूट्यूब पर आना चाहते हैं, ऐसे टीचर्स जो फ्रेशर हैं और ऑनलाइन जगत में अपने पैर पसारना चाहते हैं। आज की दुनिया में हर कोई व्यक्ति ये लोहा तो मान चुका है कि जो ऑनलाइन ट्रेंडिंग पे जाता है, जो ऑनलाइन काम करता है, जिसका बिजनेस ऑनलाइन फल फूल रहा है, वो दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो ऑनलाइन रैंकिंग में हाई हैं, जिनकी ऑनलाइन बूम अच्छी है, वो अच्छा खासा अर्निंग या फिर ट्रस्टवर्थी प्लेटफॉर्म की कैटेगरी में आते हैं। सेम कंडीशंस टीचर्स की हो गई है। ऐसे मेरे टीचर साथी जो अब समझ चुके हैं इस इंपॉर्टेंस को और यूट्यूब पर आना चाहते हैं, चाहे अपनी मर्जी से, चाहे शासन प्रशासन और विभाग के दबाव में, चाहे वो सरकारी स्कूल में है और प्राइवेट स्कूल में, तरह तरह के ताने सुनते हैं। बहुत ही पुराने ख्याल के शिक्षक हैं, अभी भी अपने आप को टेक्नोलॉजी से अपडेट नहीं किया है। अरे इन्हें तो कुछ आता ही नहीं है, लैपटॉप पे काम करना नहीं आता, एक छोटी सी वीडियो एडिट करनी नहीं आती, ठीक से फोन भी चलाना नहीं आता। आप जिस क्लास के क्लास टीचर हो, उस क्लास की सारी वीडियोज जो है आप डेली बनाएंगे और उसके साथ साथ क्लास का यूट्यूब चैनल बनाएंगे स्कूल के नाम से, जिससे हमारे स्कूल का प्रमोशन होगा और आपको हर दिन यूट्यूब पे वीडियोस डालनी होगी। इस बेसिस पे आपकी पढ़ाने की क्वालिटी से आपका आकलन नहीं किया जा रहा, आप कितनी टेक्नोलॉजी टेक्नोसेवर, आप कितनी टेक्नोलॉजी को जानते हैं, इस बेस पर आपका इंक्रीमेंट, आपका अप्रेजल और आपकी दक्षताओं का आकलन किया जा रहा है। तो ये सिचुएशन एक टीचर के तौर पर आपके लिए बड़ी अजीब हो जाती है कि यार मैं दिल लगा के अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, बट ठीक है, मैं इस दुनिया की दौड़ती हुई भीड़ के साथ टेक्नोलॉजी को सीखने में इच्छुक नहीं हूँ, मुझे अपने पुराने पढ़ाने के तरीकों पे पूरा भरोसा है। बट मैं आपको बता दूँ कि डेफिनेटली आप बिल्कुल अपने सब्जेक्ट में दक्ष हैं, सशक्त हैं, बट अगर आप ऑनलाइन आके काम करते हैं तो स्पेशली प्राइवेट टीचर्स की बात कर रही हूँ, उन्हें स्कूल्स में बहुत अच्छा अमाउंट नहीं मिलता। ऐसी सिचुएशन में आपके पास एक हेल्पिंग हैंड हो जाता है, साइड अर्निंग। अगर आप यूट्यूब पे काम करते हैं, अगर आप यूट्यूब से सीखते हैं और सिखाते हैं, तो डेफिनेटली आपकी सेकेंड सोर्स ऑफ अर्निंग चालू हो जाती है। अब आप बोलेंगे यार ये सुनने में लगता है, क्या ये सच में ऐसा होता है? सुना है यूट्यूब से लोग लाखों कमा लेते हैं, बंगला गाड़ी खरीद लेते हैं, क्या ये पॉसिबल है? मैम मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, डेफिनेटली ये पॉसिबल, ये संभव होता है। यूट्यूब या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको इतना सशक्त बना देता है कि आप सर उठाकर चौड़े होकर खर्चा कर सकते हैं। आप किस मोटिवेशन से अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रहे हैं, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, पर अल्टीमेटली सबको यही होता है कि यूट्यूब बना है संदीप महेश्वरी सर को छोड़ के, तो यार इससे मैं पैसा कमा लेता हूँ। अब आप उस पैसे को कैसे यूज़ करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और आज की ये वीडियो आपके लिए एक्सट्रीम हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि यूट्यूब से जुड़ी हुई हर छोटी से छोटी बारीकी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाली हूँ। कि अगर आपके दिमाग में ये थॉट भी आ गया ना कि चलिए यार यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं, अपना चैनल बनाते हैं, तो कैसे, किस थॉट के साथ चैनल क्रिएट करना है, चैनल क्रिएट करने के बाद कैसे वीडियोस को डालना है। वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, जरा सा वीडियो स्किप करना आपके लिए नुकसानदायक होगा, आपको चीजें जो है वो शायद समझने में दिक्कत होगी। हर बारी की यूट्यूब से जुड़ी हुई, टीचर्स से रिलेटेड इस वीडियो के माध्यम से मैं साझा करूंगी। मुझे पता है बहुत सारी ऐसी उलझल वीडियोस होती है, वेब सीरीज होती है, आप देख लेते हैं, अपना समय जो है उसमें खो देते हैं, और फिर वही वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। मतलब मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ इस चीज़ को कि कभी किसी ऐसी चीज़ में मैं अपने घंटे बिता देती हूँ ना जो मेरे लिए वर्थ इट थी नहीं, जिससे मेरी कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं हुई, मैंने कुछ सीखा ही नहीं, बस ऐवें देख ली क्योंकि मुझे ठीक लग रहा था उस वक्त, उसे देखने के बाद पता लगता है वो ठीक भी नहीं था, समय की बर्बादी हो गई मुझसे। तो बेटर है कि आप ऐसी चीजें देखिए जो आपकी जिंदगी में वो बदलाव कर सके जिनसे आप परेशान हैं, जिन बदलावों को वाकई में आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। तो YouTube पे आने के लिए कि चैनल क्रिएट करने को लेकर आपको लग रहा है कैसे शुरुआत करूं, चैनल कैसे ग्रो करूं, अपना वॉच टाइम जो 4000 घंटे का है वो कैसे पूरा करूंगा, यार 1000 लोग कहां से लाऊंगा, सब्सक्राइबर्स कैसे लाऊंगा, ये सारी चीजें आपको डीमोटिवेट कर देती है और आप सोचते हैं यूट्यूब छोड़ के जाऊंगा।
YouTube छोड़ के जाने के बाद भी आप उस सिचुएशन में कैसे आते हैं, यार YouTube छोड़ के गया तो बैकअप प्लान क्या होगा? YouTube के अलावा और ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जहां से आप पैसे कमा सकते हो? YouTube के साथ साथ और ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म हैं जिनके साथ अगर आप काम करना शुरू कर देते हो तो आपको बहुत जल्दी ग्रोथ मिलनी शुरू हो जाती है? इसके अलावा शॉर्ट्स पर चैनल बनाना ठीक रहेगा, लॉन्ग वीडियोस बनाना ठीक रहेगा, इनिशियली कैसा चैनल क्रिएट करें, चैनल कैटेगरी कैसे चूज करें, ये सारी बातें इस वीडियो में सब्र से हम लोग बात करने वाले हैं। अगर मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँ तो देखिए, जब मैंने YouTube की शुरुआत करी मुझे कुछ नहीं आता था। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि इस चैनल को आप लोग बहुत सपोर्ट किया करिए। आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा बहुत सारी चीज़ों के ऐसे एड्स होते हैं कि इसे खरीदेंगे तो आप हम लोग इससे इसकी बचत से एक पेड़ लगाते हैं, इसे खरीदेंगे तो इससे हम एजुकेशन में सपोर्ट करते हैं इंडिया की। बट सच बोल रही हूँ, आपका ये चैनल, आपका ये सपोर्ट मेरे इतने प्रिविलेज्ड बच्चे जिनकी एजुकेशन की सुध शायद उनके माँ बाप को नहीं होती, मेरी इतनी सारी वीडियोज चैनल पर पड़ी हुई, आप उन्हें देख सकते हैं कि दे आर ब्लेस्ड जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज वो बच्चे सशक्त हैं, आज उन बच्चों के पास हर वो सुविधा होती है यार जो मुझे सोचना नहीं पड़ता कि अच्छा मेरे बच्चों के लिए कलर्स आने, मेरे बच्चों के लिए पेंसिल्स आनी, कॉपी आनी है, स्मार्ट क्लास आनी है, डिजिटल बोर्ड आना है, जो कुछ चाहिए होता है इस YouTube की बदौलत मैं ला के रख देती हूँ। डेफिनेटली तो YouTube आपका सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है अगर आप काम करते हैं। मैं वो व्यक्ति थी जिसे ना ढंग से फ़ोन चलाना आता था, लैपटॉप तो सोच ही जाइए, भूल जाइए कि मुझे लैपटॉप ठीक से ऑन भी करना आता था, ठीक है। टेक्नोलॉजी से मेरा कोई नाता नहीं था, वीडियो एडिटिंग सोच भी नहीं सकती थी कि मैं वीडियो एडिटिंग सीख लूँगी। बट इनिशियली जब मुझे लगा कि YouTube पे आना चाहिए, YouTube से पैसे कमा सकते हैं, फर्स्ट इंटेंशन डेफिनेटली हर व्यक्ति की होती है, तो फालतू की बातें हैं जी मैंने तो अध्यात्म के लिए यूट्यूब शुरू कर दिया, नहीं, यही सोच थी यार यूट्यूब मतलब पैसे कमाने हैं। और जो अभी आप बैकग्राउंड देख रहे हो ना पीछे मेरे, इस तरीके के किसी कोने कोने में आपको मेरी पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी। आज ऑसम बैकग्राउंड्स हैं, पूरा स्टूडियो है, अच्छे से रूम सेटअप कर रखे हैं, फुली कॉन्फिडेंट के साथ घर के किसी भी कोने में वीडियो शूट कर सकती हूँ। ना तो फैमिली अलाउ करती थी, टोटली अपोज, भयंकर लड़ाइयाँ दोनों तरफ, माई के ससुराल वाले खट्टे बैठ गए कि भाई नहीं ये चैनल बंद करवाओ, मतलब ऐसे नहीं करते, जाटों की लड़कियाँ ऐसे नहीं करती, जाटों की बहू ऐसे नहीं करती। ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि यूट्यूब चालू हो जाए, आप अपना फेस दिखा रहे हो, कितना इनसिक्योर है, आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, अजीब अजीब कमेंट लोग करते हैं तुम्हारे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, परिवार वाले उसे पढ़ते थे। और इनिशियली आप इतने प्रोफेशनल भी तो नहीं होते हो कि ऐसे चुने हुए शब्द बोल दो, इतनी अच्छी आपकी वोकैब हो, आपसे गलतियां नहीं हो रही हैं। और सबसे फनी चीज़ ये होती थी कि ट्राईपॉड तो मैंने ऑलमोस्ट, मेरे 1.5 लाख हो गए थे उसके बाद मैंने ट्राईपॉड खरीदा, नहीं खरीदा नहीं, मेरे भाई ने दिया था मुझे ट्राईपॉड, मैं ढेर कंजूस हूँ, मतलब मैं ट्राईपॉड भी नहीं खरीदा, मैं किसी भी कोने में बुक्स पे, रैक्स पे, कहीं भी रख के घर के वीडियोस को शूट किया करती थी। और अगली को एडिटिंग आती ही नहीं है, यहाँ वीडियो शुरू किया, फटाक से कोई आवाज़ आ गई, कुकर की सीटी आ गई, कुत्ते भौंकने की आवाज़ आ गई, गली के कुत्ते भौंक रहे, तो भैया वीडियो पॉज करी, फिर से वीडियो रीस्टार्ट कर दी, मतलब फिर कोई दिक्कत हो गई, 5-5, 6-6 बार बोलना पड़ रहा है, पूरी स्क्रिप्ट याद रखनी पड़ रही है, फिर से बोलना पड़ रहा है। बस इसका फ़ायदा ये हुआ कि ऐसे बोलते 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 जब मैंने एडिटिंग सीखी मुझे पता चला, अच्छा इनिशियली वीडियोस में देखना आप, मैं ऐसे ऐसे कैमरे के पास ऑन करते हुए और ऑफ करते हुए भी आती थी, और 10 से 15 मिनट की मेरी जो वीडियो होती थी वो एकदम वन शॉट होती थी, कोई एडिटिंग नहीं होती थी। और मेरी फर्स्ट वीडियो जो वायरल हो गई थी ना, वो भी विदाउट एडिटिंग ही हो गई थी, कोई एडिटिंग नहीं थी उसमें, कोई कट नहीं था उसमें। बट अब आपकी कैसे होगी वो सिचुएशन, कैसे आएगी, क्या जरूरत पड़ी फिर मुझे एडिटिंग सीखने की? इस रीटेक 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 से बस इतना हो गया कि मैं इतनी स्किल्ड हो गई कि मुझे आज की डेट में भी जब मैं वीडियो शूट करती हूँ तो 1 गो वीडियोस होती है, मुझे कोई फालतू ज्यादा एडिटिंग एनिमेशंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी ऑडियंस मेरे साथ कनेक्ट करती है, मेरी ऑडियंस मुझे समझती है, मेरी बातों को समझती है, तो मुझे फालतू उलझल उल के दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक वक्त वो था जब अपनी एजुकेशन के टाइम पर 8 से 9 किलोमीटर पैदल चलना पड़ जाता था, पैदल चल के आया जाता था कि यार 5 रुपये बच जाएंगे, क्या जरूरत है बस वाले को 5 रुपये देने की, ये 5 रुपये बचा लेते हैं, हो सकता है 5-5 करके 50 का रजिस्टर खरीदना पड़ जाए जब हम कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं।
किसी भी दबाव में फैमिली सपोर्ट कर देगी, बट फाइनेंशियली चीजें समझ में आती थी कि पेरेंट्स के लिए इतनी बड़ी सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, तीन तीन बच्चों को पाला जा रहा है उन पारिवारिक स्थितियों में, कि अन्यथा का किसी भी तरीके से कोई दबाव अपने पेरेंट्स के ऊपर डाला जाए। तो ये जुनून, ये जोश था कि यार यूट्यूब पे कुछ करना है, मतलब भगवान के आगे आरती करते ना, मैं सोचती थी हे भगवान, मतलब मेरे को भगवान से मांगने में बहुत कोई ऐसा नहीं है, बिलीव नहीं है, मुझे लगता है सब कुछ तो दे रखा है, सब कुछ है मेरे पास, मैं क्या मांगू भगवान जी से, क्या मांगू। बट वो एक ऐसा टाइम था जब मैं भगवान जी से कहती थी हे भगवान जी, मतलब मेरे 1000 सब्सक्राइबर कभी हो पाएंगे, क्योंकि मांगने की आदत नहीं है, तो मैं ये नहीं कहती थी मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दियो, ना, कभी मेरे हो पाएंगे, कभी ऐसा होगा मेरा 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाएगा। सब लोग मुझे टोकते रहते हैं, सब लोग मुझे उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं, यूट्यूब पे आ गई। और सबसे बड़ी गलती हम आज भी कर रहे हो, करते रहेंगे, कोई आपको समझा समझा के भोग भोग के परेशान हो जाए, पर नहीं, हमने ठान लिया है हम ये गलती करेंगे करेंगे और करते ही रहेंगे ये गलती। और वो सबसे बड़ी गलती है अपनी वीडियोज़ को फॉरवर्ड करना सारे व्हाट्सएप ग्रुप में। एज अ टीचर मेरे तो बहुत सारे, कम से कम 150 व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैं जुड़ी हुई, 250 लोग हैं, तो मेरे को पता था, मैंने कहा शेयर करूँगी, और उस वक्त इतना ज़्यादा था भी नहीं, तो मतलब मेरे चैनल को तो सब सब्सक्राइब कर लेंगे। भैया मैंने एक दिन शेयर करा, अच्छा मैडम जी ने शेयर बनाया, लोगों ने देखा, सब्सक्राइब तो कोई क्या ही करेगा, बहुत ही जो क्लोज लोग थे उन्होंने मेरे कहने से सब्सक्राइब कर लिया। बट मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, एक्सट्रीम पागलपन सवार हो जाता है जब तक किसी चीज़ को मैं पा नहीं लेती जो मैंने डिसाइड की है। मैंने दोबारा से फिर से भेज दिया, दिन में 6-6 बार भेजना शुरू कर दिया, मतलब जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स थे मैंने उसमें दे सब्सक्राइब ले वीडियो, और वीडियो कोई चैनल की कैटेगरी नहीं, कोई चैनल का कंटेंट ऐसे नहीं कि इसी टाइप का कंटेंट बनना है, जो मेरे मन जो मेरे राज्य आ रहा है वो मैं उठा के डाल रही हूँ। लोग परेशान हो गए मुझसे, यार सारा दिन उसको कोई काम ही नहीं, अपनी वीडियोज़ भेजती रहती है, लोगों ने मुझे ग्रुप से ही निकालना शुरू कर दिया। सोचिए आज इतने सारे अवार्ड्स, इतनी सेरेमनीज, इतने चीफ गेस्ट, एज अ चीफ गेस्ट बुला लिया जाता है, एक सिचुएशन जब आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ही बाहर निकाल दिया गया कि पागल है क्या, सारा दिन ये व्हाट्सएप सब्सक्राइब करो से भर देती है हमारा। मेरे अपने क्लोज फ्रेंड्स मुझसे परेशान हो गए, मेरे फैमिली वाले मुझसे परेशान हो गए, यार अजीब है, पर मुझे समझ में ही नहीं आता था। मुझे लगता था कि ऐसे ही तो होंगे 1000 सब्सक्राइबर, फिर कैसे होंगे, यूट्यूब को क्या सपना आ रहा है मैंने चैनल बना लिया है। बट एग्जैक्टली यूट्यूब के एल्गोरिथम में वो सपने आते हैं, वो आपकी वीडियोज़ को रोकते ही नहीं है अगर आप वीडियो में प्रॉपर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, अगर आप वीडियोस में प्रॉपर यूट्यूब को बताते हैं मैंने किस कंटेंट से रिलेटेड वीडियो बनाई है, ये मेरी कैटेगरी है, उससे रिलेटेड जैसे जैसे लोग सर्च करेंगे आपकी वीडियो को, मुझे 10th क्लास की मैथ्स पढ़नी है, मैं कैसे सर्च कर सकती हूँ 10th क्लास मैथ्स चैप्टर फलाना, उसको तोड़ मड़ोड़ के जितने तरीके से आपके बच्चे सर्च कर सकते हैं, एज अ टीचर आप उसे सर्च करते हो यूट्यूब पर, वो सब आपको अपने डिस्क्रिप्शन में लिखना है, उसी से रिलेटेड हैशटैग्स आपको लगाने हैं, और वही चीजें आपको अपने टैग्स में डालनी है। नहीं समझ है जो उस कैटेगरी में बना रहा है उसकी, देखिए सिचुएशन कि उसने कौन से टैग्स यूज करे हैं, ठीक है। जब आप ये सब चीजें देखेंगे आपको समझ में आएगा कि अच्छा YouTube के दिमाग में सपने आ गए, उसको समझ में आ गया कि है भाई कोई वो YouTube पे वीडियोस बना रहा है। ये जब मुझे ज्ञान मिला, मैंने फिर वीडियो से सीखना शुरू किया, थोड़ी बहुत एडिटिंग सीखनी शुरू करी, तब जाके समझ में आया वीडियोस धीरे 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 थोड़े थोड़े व्यूज आने लगे, क्योंकि मैं इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं थी कि मेरे वीडियो डलते लाखों व्यूज आ जाएंगे मेरे पास, नहीं, धीरे धीरे छोटे 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 व्यूज आने शुरू हो गए। और उसके बाद क्या था, अब मैडम जी के पास समस्या आ गई कि 4000 घंटे का वॉच टाइम कैसे पूरा करें, 1000 सब्सक्राइबर तो पूरे होने शुरू हो गए, बट स्टिल आप सोच रहे हैं शॉर्ट्स बना के आप 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है वो पूरा कर लेंगे, वहां का क्राइटेरिया ही अलग है, वो 4000 घंटे शॉर्ट से या तो बहुत मिलियन 45 मिलियन 46 मिलियन पहुंचा तब पूरे होते हैं, अदरवाइज शॉर्ट से नहीं होते 4000 घंटे। अगर आप मिक्सिंग वाला चैनल बना के चलते हैं, आपको मैं बता रही हूँ 10 वीडियोस की जगह एक वीडियो बनाइए, प्रॉपर एडिटिंग थोड़ी बहुत सीखिए, ठीक है, कंटेंट के ऊपर काम करिए दबा के, प्रॉपर थंबनेल वो दुकान का बैनर है जो आपकी दुकान पे ग्राहक लेके आएगा। मैं ऐसे गुजर के जा रही हूँ, मतलब सामने से मुझे क्या मतलब है मैं इस दुकान की तरफ देखूँ, कुछ भी अलग कुछ भी नया मेरी दुकान पे दिखेगा, मेरे डमीज ने बढ़िया से टंच कपड़े पहन रखे हैं, मेरे डमीज बहुत शानदार लग रहे हैं,
तब ग्राहक मेरी दुकान की तरफ पलट के ऐसे घूमेगा। और वो मेरी दुकान की तरफ घूमा और मेरे दुकान के अंदर उसे क्वालिटी दिखी तो वो रुकेगा, वो अपने कदम बढ़ाएगा। और वाकई में अगर उसके हिसाब से उसको सेटिस्फेक्शन मिल गया तो वो शायद मेरी दुकान से कुछ लेके जाएगा, मेरी वीडियो को लाइक करके जाएगा, मेरी वीडियो को देखेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, तब जाके वो आपका कस्टमर बनेगा आपकी दुकान का। सेम YouTube के साथ होता है। अगर आपका थंबनेल शानदार है तो वो व्यक्ति पलट के आपकी YouTube को देखेगा, वो रुक जाएगा, उसके ब्राउज फीचर में थंबनेल आ रहा होगा, वो रुकेगा, वो क्लिक करेगा, उसे ढंग का कुछ लगेगा वो उस वीडियो पे रुकेगा, उसके काम का होगा वो सुनेगा, वो टाइम देगा, उसे पसंद आएगा वो लाइक करेगा, उसे बहुत पसंद आएगा वो आपके साथ जुड़ जाएगा, वो आपको सब्सक्राइब करके जाएगा, वो उस परिवार का सदस्य बन जाएगा। साथ साथ आपसे कहूंगी कि आप इस परिवार का सदस्य जरूर बन जाए, चैनल को आप मेरे सब्सक्राइब कर लेना। बट स्टिल मैंने सब कर लिया, सब हो गया, मुझसे नहीं हो रहा है, मेरे चैनल ग्रो ही नहीं कर रहा है। तो फिर भी रीजन ये है क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन में हैं, आप थंबनेल्स के ऊपर काम ही नहीं कर रहे हो, आप एडिटिंग सीखना ही नहीं चाह रहे हो, आप अपने आप को अपग्रेड करना ही नहीं चाह रहे हो, आपको लग रहा है बहुत सस्ते में सबसे आसान तरीके से मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लूँ, जहां पर बहुत कम मेहनत होती हो उस कैटेगरी से मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लूँ, उस तरीके से अपनी वीडियोस डालना शुरू कर दूँ जहां पर सबसे कम मेहनत लगती हो, तो कम मेहनत में तो कम जैसा ही स्वाद आएगा ना, उसी ग्रोथ से आपके चैनल पे व्यूज आने शुरू होंगे। हर कोई अंबानी नहीं है कि किसी की किस्मत कैसे भी हिट हो जाएगी, कोई एक वीडियो चल गई, चाहे कैसी सी भी वीडियोस है वो चल गई और वो बंदा वायरल हो गया, ऐसा संभव नहीं है। आपको हार्डवर्क ही करना पड़ेगा, उस हार्डवर्क के रिटर्न में आपकी किस्मत कितनी चमकती है ये मैटर करता है। मैं लिख के दे सकती हूँ, मेरे सामने किसी को ला के खड़ा कर दीजिए जो ये कहते हैं ना, एक दिन में 1000 सब्सक्राइबर, 2 घंटे में 5000 सब्सक्राइबर और 2 घंटे में हम आपका वॉच टाइम पूरा कर देंगे, कोई मतलब रोक नहीं है कि कोई भी कंडीशन हो। मैं कह रही हूँ मैं उस व्यक्ति को 5 लाख रुपए दे दूंगी जो चुटकी बजाते ही 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम आपका पूरा करा देगा। उनका हो सकता है जिनका फेस वैल्यू है, जिनका यूट्यूब चल रहा है, उन्होंने एक और नया चैनल खोल दिया, यूट्यूब उनके एल्गोरिथम को समझता है, यूट्यूब उनके फेस को समझता है, उसके थंबनेल को समझता है, यूट्यूब उसकी जो वीडियो है वो जैसे जो और उसको फॉलो करते हैं उनको भेज देगा, लो जी कर लेंगे पटपट उसको 1000 सब्सक्राइबर जो है उसको मिल जाएंगे, फॉलो कर लेंगे लोग उसकी वीडियो, उसको वैसे ही उसके चैनल पे इतना देखते हैं, यहाँ भी देख लेंगे और उसको सपोर्ट करने के लिए उसकी बिल्कुल सपोर्टर्स एकदम आंधे उतार देंगे, वीडियोस को यहाँ वहाँ फॉरवर्ड करना शुरू कर देंगे। बट आपका क्या, आपको तो कोई भी नहीं जानता, आपको तो यूट्यूब को जनवाना पड़ेगा, और यूट्यूब जब तक नहीं जानेगा तब तक इक्के दुक्कों से कितनी भी भीख मांगते रहना, सब्सक्राइब कर ले भैया, सब्सक्राइब कर ले भैया, वो भैया कितना भी सब्सक्राइब कर ले, बहन कितनी भी सब्सक्राइब कर ले, देखेगी नहीं तुम्हारी वीडियो को पूरा। और मैं कह रही हूँ एक आदमी ने देख लिया, दो ने देख लिया, उससे क्या हो जाएगा, वॉच टाइम कैसे मिलेगा। अब बात आती है, ठीक है यार समझ गए, हो गए हमारे 1000 सब्सक्राइबर, हो गए हमारे 4000 घंटे पूरे, पैसे आएंगे नहीं, इतने से आप करोड़पति नहीं बनते हैं। YouTube में रेगुलर हर दिन आपको मेहनत करनी होती है, आपका चैनल हर दिन आपको ग्रोथ दे देता है। अपने ही चैनल की बताऊं, जब जब मैंने काम करना छोड़ा, जब जब 6-6 महीने का ब्रेक हो गया, मतलब ये कंडीशन हो गई कि 6 महीने मैंने ध्यान नहीं दिया, ऐसी नौबत आ गई कि आप जब तक $100 पूरे नहीं करते ना तब तक आपका उस महीने का पेमेंट नहीं निकलता। $100 थ्रेशहोल्ड मिनिमम रहता है, उसके अलावा डिपेंड करता है, मैंने अपना ज़्यादा थ्रेशहोल्ड बना रखा है, 100 नहीं, मुझे लगता है 100-100 क्या करके निकालती रहूँ, तो मैंने ज़्यादा थ्रेशहोल्ड कर रखा है कि इतना आएगा तो मैं मेरा पेमेंट मेरे अकाउंट में आ जाएगा। और जब तक मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तब से आज तक मेरा पेमेंट कभी नहीं रुका, नेवर। बट ऐसी सिचुएशन आ गई कि मेरा पेमेंट ही रुक गया, भाई अगला काम ही नहीं कर रहा, और यूट्यूब को, यूट्यूब तूने मेरे साथ धोखा क्यों किया, मेरा तो सब बढ़िया चल रहा था, तूने मुझे क्यों ऐसे लुटिया डुबो दी, क्योंकि आप काम ही नहीं कर रहे हो, आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो, आप कंटेंट सर्च ही नहीं कर रहे हो, अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हो, लाइव नहीं कर रहे हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो, उनकी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर रहे हो। ऑडियंस जाएगी ना दूसरी दुकानों पर जाएगी, और जगह जाएगी ऑडियंस, क्यों आपसे कनेक्ट करेगी, भूलेगी नहीं आपको, चाहे आपकी कितनी भी ट्रस्टवर्थी ऑडियंस हो, कितनी भी अच्छी ऑडियंस हो, आपको छोड़ के निकल देगी। आपको उस ऑडियंस के साथ कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी, कोई कितने भी आपको सपने ख्याली पुलाव देना शुरू कर दे, बट यूट्यूब आपको तभी सजेस्ट करता है जब आप उसके सर्च इंजन पर काम करते। अभी मैंने वीडियो डाली,
यूट्यूब ने 10 लोगों को उसके जो नोटिफिकेशंस हैं वो भेजे, 10 में से 5-7 ने देखे। यूट्यूब को समझाया बढ़िया है बढ़िया है, लोग देख रहे हैं। यूट्यूब ने फिर और को भेजे, फिर और को भेजे, लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, यूट्यूब के एल्गोरिथम में जा रहा है, बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है इस वीडियो को, और लोगों तक भेजा जाए। एंड इट टेक्स टाइम, आप कोई वायरल यूट्यूबर नहीं हो, हो सकता है इस चीज़ में 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, 2 महीने में आपकी वीडियो वायरल हो। बट अगर आपकी वीडियो पे आपने अच्छा काम किया है, प्रॉपर सर्च इंजन से काम किया है, कंपटीशन कैटेगरी कैसी है, लाखों लोग उस चीज से रिलेटेड वीडियो बना चुके हैं, बन रही है, और आपने भी बना दी, आप इतने छोटे से यूट्यूबर कहाँ से चलेगी। आपको ये भी तो देखना है सर्च रिजल्ट कैसा है, उस पर कितनी वीडियोज ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, कंपटीशन कितना है, कितने ज्यादा लोग सर्च करते हैं और कितने कम लोगों ने वो इन्फॉर्मेशन दी है, तब रैंकिंग में वीडियोस आती हैं, क्योंकि आपके पास कंपटीशन कम होता है। बट नहीं, आपको बताया कि यार इसमें बना रहे हैं सब, इसमें बना रहे हैं, मैं भी इसमें बना रही हूँ, लाखों लोगों ने ऑलरेडी पहले बना रखी है, तो लाखों की भीड़ में, और लाखों रोज बना रहे होते हैं, है ना, तो उसमें से भी आपकी कैटेगरी में वीडियो ऊपर उठना मुश्किल हो जाता है। तो आपको पहले समझना होगा यूट्यूब को बारीकी से, हर चीज को सीखना होगा, और एक बार अगर आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिट कर जाते हैं, आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो फेसबुक है, सबका सर्च इंजन साथ में काम करता है, बाकियों पे भी आपका फेस रिकॉग्नाइज होना शुरू हो जाता है। अगर आप बहुत बड़े इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं तो यूट्यूब पे आपके फॉलोअर्स बहुत जल्दी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अगर आप यूट्यूब पे बहुत अच्छा काम करते हैं तो लोग आपको इंस्टाग्राम पे जाके सर्च करके फॉलो करना शुरू कर देते हैं। मेरे को भी कर लेना यार इंस्टाग्राम पे, प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना आप लोग, वहां पर भी हमारी बहुत अच्छी कम्युनिटी है, जहां पर मैं पर्सनल लाइफ रिलेटेड चीजें जो है वो डालती हूँ, स्कूल रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। आप मेरा फेसबुक पेज है लर्निंग नेवर एंड्स का, उसे फॉलो कर लेना, जहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप मुझे वहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, और अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स, आपकी क्वेरीज, करियर काउंसलिंग से रिलेटेड हो, गाइडेंस से रिलेटेड हो, आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको डेफिनेटली मिलेगा। ये सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप अपनी ऑडियंस के साथ एक्टिव रहते हैं, बनाते हैं ये सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स और उनका रिप्लाई करते हैं, उनको भरोसा दिलाते हैं कि आप हैं उनके लिए, उनकी परेशानियों में, उनके दिमाग में अगर कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, आपके साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि इस YouTube की दुनिया में ये ऑडियंस, ये सब्सक्राइबर्स आपका रियल लव होते हैं, यही आपका परिवार होते हैं, यही आपका विश्वास होते हैं। अगर ऑनेस्टली आपको किसी चीज़ के लिए सजेस्ट कर रहे हैं, आपको कोई सुझाव दे रहे हैं, आपको मानना चाहिए, तहे दिल से उनका स्वागत करना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए, तब ही आपकी ऑडियंस आप पे भरोसा करेगी। तो अगर इन सब चीज़ों को दिमाग में रख के आप यूट्यूब के इस सागर में उतरना चाहते हैं तो आप नीचे अपने कमेंट्स लिख दीजिए, आपकी जिस भी कैटेगरी से जो समस्या आ रही है, स्पेशली मेरे टीचिंग कम्युनिटी की, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आऊंगी, आई प्रॉमिस यू। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए खासा हेल्पफुल रही होगी, आपको पसंद भी आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक कर देना यार, इतना अगर आपने सुन लिया, यहाँ तक पहुँच गए तो डेफिनेटली आप उस तक कनेक्ट हो ही गए होंगे। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल दबा देना, जिससे कोई भी वीडियो आप तक पहुँचे बगैर रहना चाहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियोस की लेंथ थोड़ा लंबी रखेंगे तो इनिशियल फेज में आपका वॉच टाइम पूरा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप एक लाइक ठोक के अपनी अगली वीडियो की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी बेहतरीन वीडियोज के साथ। जय हिंद जय भारत दोस्तों।